हमें खुद वो बदलाव बनना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं, तभी हम अंधेरे में रोशनी की किरण फैला सकते हैं। दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में दहशत और निराशा का माहौल है। ऐसे में डर और निराशा को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी रविवार को देश में लोगों को आशा का दिया जलाकर कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के साथ ही लोगों से एकजुट होने की अपील की है। दोस्तों, कोरोना के कारण फैले अंधकार और निराशा के बीच रोशनी से जुड़ी अंधकार से उजाले की ओर ये मोटिवेशनल कहानियाँ आप जरूर सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में पहली प्रेरक कहानी, अंधा व्यक्ति और लालटेन। दोस्तों, एक गाँव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जलती हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर वापस अपने घर लौट रहा था। इस बार भी उसके साथ हमेशा की तरह एक जली हुई लालटेन थी। वापस लौटते समय रास्ते में कुछ शरारती लड़कों ने उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का क्या काम। उनकी बात सुनकर अंधा विनम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो हमेशा अंधेरा ही रहा है, मुझे लालटेन का क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में जीने की है, लेकिन आप जैसे आँखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने की समस्या हो सकती है, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में ना देख पाए और धक्का दे दिया तो मुझ बेचारे का क्या होगा। इसलिए यह लालटेन लेकर चलता हूँ ताकि आप अंधेरे में अंधे को देख सके। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वह लड़के शर्मिंदा हो गए और उससे माफी मांगने लगे। उन्होंने तय किया कि अब भविष्य में कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। दूसरी कहानी, रोशनी की बचत। दोस्तों, एक बार प्रसिद्ध लेखक जॉन मुरे अपने लेखन में व्यस्त थे। तभी दो महिलाएं जन कल्याण से संस्था के लिए उनसे चंदा मांगने आई। अपना लेखन कार्य बीच में छोड़ने के बाद जॉन मुरे ने वहां जल रही दो मोमबत्तियों में से एक को बुझा दिया। यह देखकर उनमें से एक महिला बुदबुदाई, यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, जॉन मुरे को जब उन महिलाओं के आने के उद्देश्य का पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी से $100 उन्हें दे दिए। दोस्तों, महिलाओं के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनमें से एक बोली, हमें तो आपसे एक सेंट भी पाने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपने हमारे आते ही एक मोमबत्ती बुझा दी थी। जॉन मुरे ने उत्तर दिया, अपनी इसी बचत की आदत के कारण ही मैं आपको $100 देने में समर्थ हुआ हूँ। मेरे विचार से आपसे बातचीत करने के लिए एक मोमबत्ती का प्रकाश ही काफी है। दोस्तों, महिलाएं बचत के महत्व को समझ चुकी थी। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? महिलाएं तो बचत के महत्व को समझ गई, लेकिन आप कब समझेंगे? जल्दी समझिए, वरना देर हो जाएगी और फिर पछताने से कुछ नहीं होता। जब चिड़िया खेत चुग जाती है। तीसरी कहानी, उम्मीद की रोशनी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक घर में जल रहे 5 दिए आपस में बात कर रहे थे। पहले दिए ने कहा, इतना जल कर भी मेरी रोशनी की लोगों को कद्र नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया निराश होकर बुझ गया। दोस्तों, वह दिया उत्साह का प्रतीक था। कुछ देर बाद शांति का प्रतीक दूसरा दिया भी शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोगों की फैलाई जा रही अशांति के बारे में सोचकर बुझ गया। अब बारी थी हिम्मत के तीसरे दिए की। दोस्तों, उसकी हिम्मत भी यह देखकर जवाब दे गई और वह भी बुझ गया। दोस्तों, उत्साह, शांति और हिम्मत का हाल देखकर समृद्धि का प्रतीक चौथा दिया भी बुझ गया। अब केवल 5वां दिया, जो सबसे छोटा था, अकेला जलकर रोशनी फैला रहा था। तभी घर में एक लड़का आता है। जलता दिया देखकर वह खुशी से नाचने लगा और फिर एक दिए से बाकी के 4 दिए भी जला दिए। 5वां दिया उम्मीद का दिया था। उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि के जाने के बाद भी उम्मीद जिंदा रखे। कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। दुनिया में तमाम दुखों और तकलीफों में भी उम्मीद कायम रखे, उम्मीद न छोड़े। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? दोस्तों, अगर उम्मीद का एक दिया रोशन है तो सब कुछ खत्म होने के बाद भी शुरुआत की जा सकती है। चौथी कहानी है, ईमानदारी ही मानता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य मगध साम्राज्य के संस्थापक और सब कुछ थे। उनकी बुद्धि और सुबुद्ध से मगध सम्राट चंद्रगुप्त भी संतुष्ट थे। इतने बड़े राज्य का संचालक होने के बाद भी चाणक्य साधारण सा जीवन जीते हुए घास फूस की बनी एक झोपड़ी में रहते थे।
एक बार फयान ने मगध देश में आचार्य चाणक्य की प्रशंसा सुनी तो वह उनसे मिलने राजधानी में आ पहुंचा। उस समय रात हो चुकी थी और चाणक्य अपना काम कर रहे थे। वहां तेल का एक दीपक जल रहा था। दोस्तों, चाणक्य ने आगंतुक को जमीन पर बिछे आसन पर बैठने का अनुरोध किया। फिर वहां जल रहे दीपक को बुझाकर अंदर गए और दूसरे दीपक को जलाकर ले आए। इस पर विदेशी व्यक्ति समझ नहीं सका कि जलते दीपक को बुझाकर बुझे हुए दूसरे दीपक को जलाना कैसी बुद्धिमानी हो सकती है। दोस्तों, उसने संकोच करते हुए चाणक्य से पूछा, यह क्या खेल है जलते दीपक को बुझाना और बुझे दीपक को जलाना? जला था तो बुझाया ही क्यों और बुझाया तो जलाया ही क्यों? रहस्य क्या है इसका? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी देर से अपना निजी कार्य कर रहा था इसलिए मेरा दीपक जल रहा था। अब आप आए हैं तो मुझे राज्य के कार्य में लगना होगा, इसीलिए यह सरकारी दीपक जलाया है। आगंतुक चाणक्य की इस ईमानदारी और सच्चाई को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी का एक गुण पूरी तरह से व्यक्ति को निखार देता है, इसीलिए ईमानदारी के गुण को जीवन में अपनाकर अपना व्यक्तित्व निखारें। पांचवी कहानी, लालटेन की रोशनी। दोस्तों, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि मैं अपने कठिनतम लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और कहा कि वह उसे आज रात उसके सवाल का जवाब देंगे। शिष्य हर रोज शाम को नदी से पानी लाता था ताकि रात को उसका इस्तेमाल हो सके, लेकिन गुरुजी ने उसे उस दिन शाम को पानी लाने से मना कर दिया। रात होने पर शिष्य ने गुरुदेव को अपना सवाल याद दिलाया तो गुरुजी ने उसे एक लालटेन दी और नदी से पानी लाने को कहा। उस दिन अमावस्या थी और शिष्य भी कभी इतनी अंधेरी रात में बाहर नहीं गया था। अतः उसने कहा कि नदी तो यहाँ से बहुत दूर है और इस लालटेन के प्रकाश में इतना लंबा सफर इस अंधेरे में कैसे तय करूँगा? आप सुबह तक प्रतीक्षा कीजिए, मैं गागर सुबह भर लाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि हमें तो पानी की जरूरत अभी है, तो जाओ और गागर को भरकर लाओ। गुरुजी ने कहा कि रोशनी तेरे हाथों में है और तू अंधेरे से डर रहा है, बस फिर क्या था। शिष्य लालटेन लेकर आगे बढ़ता रहा और नदी तक पहुंच गया और गागर भरकर लौट आया। शिष्य ने कहा कि मैं गागर भरकर ले आया हूँ, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तब गुरुजी ने कहा कि मैंने तो सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन शायद तुम्हें समझ में नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी में गुरुजी क्या सीख देना चाहते थे? गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाया कि यह दुनिया एक अंधेरी नगरी है जिसमें हर एक क्षण एक लालटेन की रोशनी की तरह मिला हुआ है। अगर हम उस हर क्षण का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आनंद पूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर भविष्य के अंधकार को देखते रहेंगे तो कोशिश करने से पहले ही हम विफल हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करके आप अपने बच्चों और अपने भाई बंधुओं के जीवन में एक नया बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।